नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विनय आरपी में। आज हम आपको बताएंगे अगर आपने डेली कैश मैनेजमेंट करनी है, आपका कितना कैश आया, कितना कैश गया, कौन कौन से बंदे से कितना कितना कैश लेके गया, या कौन कौन बंदा कितना कैश देके गया। मंथली समरी देखनी है, डेली समरी देखनी है, वीकली समरी देखनी है, और आपका अगर साथ में ही आपने बैंक के अंदर आपका कितना कैश गया, कितना कैश निकला, कौन कौन से चार्जेस पड़े उसकी वगैरह की एंट्री करनी है, किस किस को चेक दिया, ड्राफ्ट दिया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, UPI वगैरह लिया अपने अपने शॉप पे, तो उसके रिगार्डिंग आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के रिगार्डिंग जो भी हमारे चैनल पे न्यू वीडियोस आती हैं अब तक पहुंच पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना वन प्लस करके सॉफ्टवेयर है जी, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसके बाद इसको कंटिन्यू कर देंगे जी। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, उस पर आपने क्रिएटा कंपनी पे क्लिक करके आपकी जो भी फर्म का नेम है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ तानिया एंटरप्राइजेज, एंटर करके जो भी आपकी सिटी स्टेट है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है एंटर करके। जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर, अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। एंटर करके मैं क्रिएट कंपनी पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। वन यूजर नेम वन पासवर्ड बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे आपके पास लिख के भी आ जाएगा। ओके कर देंगे जी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी आपकी कंपनी बनके, जैसे ये मेरी तानिया एंटरप्राइज करके कंपनी बनके आ गई है, इसको मैंने एंटर करना है जी। वन यूजर नेम वन पासवर्ड से मेरा सॉफ्टवेयर जो है लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, मास्टर में जाके आपने अकाउंट बना लेने हैं, अकाउंट में जाके लिस्ट ऑफ अकाउंट, नहीं तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए करके न्यू पे आप कर लोगे, ठीक है जी। अगर आपका कोई पर्सन है या अपने शॉप पे अपना कोई लड़का वगैरह रखा हुआ है, या आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं जो आपको पैसा देते हैं या लेके जाते हैं, या कोई आपके एक्सपेंस वगैरह है टी वगैरह के, उन सभी के अकाउंट यहीं पे बनेंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक अकाउंट बना लेता हूँ टी एक्सपेंसिस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं हमारे ये एक्सपेंसिस, इनडायरेक्ट सेव कर देंगे। जैसे हमने कोई कस्टमर का अपने का अकाउंट बनाना है जो हमसे पैसे वगैरह देके जाता है, एंटर करके जी हम अपने कस्टमर का अकाउंट बना लेते हैं जो हमारे डेली कस्टमर्स हैं, एंटर कर लेंगे जी। कोई हम सप्लायर को पेमेंट वगैरह करते हैं, जैसे रोहन नाम का हमारा सप्लायर है तो उसको हम पेमेंट वगैरह करते हैं। जो आपके फिक्स अकाउंट हैं, जो आपको पता है कि हाँ जी आपको यूज़ होंगे ही होंगे, उनके अपने अकाउंट वगैरह बना लेने हैं। नए अकाउंट बनाने हैं, आपको लगता है सर मेरे पास डेली हर रोज नए नए कस्टमर आते हैं, तो यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में कैश का अकाउंट बना हुआ है तो आप कैश के साथ कैश की डील कर सकते हो, ठीक है। रिमार्क में आप लिख सकते हो उसको कुछ भी। उसके बाद जी यहाँ पे आप न्यू पे हम दोबारा जाएंगे, यहाँ पे आप अपने बैंक का अकाउंट बना लेंगे। जैसे सपोज हमारा एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट है, एंटर करके हम एक्सिस बैंक का अपने का अकाउंट बना लेंगे, इसको भी हम सेम कर देंगे। और अगर आप फोन पे वगैरह पे पेमेंट लेते हो, फोन पे का अकाउंट बन जाएगा, वो भी बैंक अकाउंट के अंदर बनेगा, पेटीएम का बनेगा। सेम ऐसे ही सारे जो जो आपने बनाने हैं अकाउंट वगैरह आपके बन जाएंगे। अकाउंट क्रिएशन का मैं आपको समझा दिया है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है तो ऊपर आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा लिंक, किस तरह से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है उस पर आप क्लिक करके चेक करिए, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड इंस्टॉल आपको प्रॉपर बताया गया है, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल होता है, आप चलाइए अपने कंप्यूटर में चला के चेक करिए। उसके बाद हमने उसकी ट्रांजेक्शन कहाँ पर करनी है, हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन में जाएंगे जी। कैश एंट्री और बैंक एंट्री दोनों लगी हैं, पहले मैं आपको कैश एंट्री के बारे में समझा देता हूँ। एंटर करेंगे जी, ऑटोमेटिकली डेट जो है आ जाएगी, बाकी डे वगैरह आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ओपनिंग कैश कितना है, कितनी रिसिप्ट ली है, कितनी पेमेंट की है, क्या क्लोजिंग बैलेंस है, वो सारा आ जाएगा। रिसिप्ट पेमेंट यहाँ पे दो एंट्रीज होती हैं, अप डाउन एरो से आपके पास शो हो जाएंगी। रिसिप्ट का क्या मतलब होता है, पैसे लेना, पेमेंट का क्या मतलब होता है, पैसे देना। एंटर करेंगे, जैसे हम सपोज किसी को पैसे दे रहे हैं, जैसे रोहन को हमने पैसे दे दिए, एंटर करेंगे, कितने दे दिए जी, 5000 रुपये दे दिए। कोई रिमार्क वगैरह लिखना है किसके रिगार्डिंग दिए हैं, क्यों दिए हैं, कोई रिमार्क टू लिखना है वो भी लिख के आप इसको एंटर करके सेव हो जाएगा। बहुत ही ईजी टू ऑपरेट है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। एंटर करेंगे, रिसिप्ट पे जाएंगे, रिसिप्ट पे जाके हमने जैसे किसी और कस्टमर से अपने पैसे लिए, रोहित से पैसे लिए हैं, कितने लिए हैं जी, 80 रुपये लिए हैं, क्या चीज़ के दिए थे, ये लिए थे, ठीक है, ओके। अगर आपके पास वैसे ही कोई कस्टमर आ गया, आपको पैसे देके चला गया, आपने सोच रहे हो उसका अकाउंट नहीं बनाया, तो आपने सिंपली यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लोगे। कोई रैंडम कस्टमर आ गया आपके, वो 70 रुपये देके चला गया, क्या सामान लेके गया, उसका यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपके यहाँ ओनली कैश के अंदर डील करनी है, देखिए ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे पास आते जाएंगे कि हाँ जी 80 रुपये आ गए,
5000 हमने दे दिए, माइनस 4920 हमारा हो गया है। कोई कैश वगैरह का आपने बैलेंस लिखना है, अगर आपके पास इंटरनली पहले कोई बैलेंस है तो बैलेंस आपने चढ़ाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कैश का ऑलरेडी हमारा अकाउंट बना होता है, ये आपको बनाने का जरूरत नहीं है, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लोगे। एंटर एंटर करके ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होता है, ओपनिंग बैलेंस में आप चढ़ा लोगे आपके पास 50 लाख पड़ा है, कितना बैलेंस है आपके शॉप के अंदर जो आप रखा हुआ है, 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी रखा होगा। डेबिट का मतलब आपके पास है, क्रेडिट का मतलब कि आपने उसको माइनस में हुआ हुआ है कि माइनस 50,000 है। इसको 50,000 हम सेव कर देते हैं, ओके। अभी हम कैश एंट्री वाले में दोबारा जाके देखेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा कि कैश एंट्री में हमारे पास 50,000 जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास आ गए। देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है डेबिट बैलेंस 50,000 दिखा दिया है, बहुत ही अच्छे वे से, 5,000 अपना डेबिट बैलेंस इसने दिखा दिया है, 5,000 ही हमने वहाँ पे डाला था। एंटर करेंगे जी इसको, 155 जो हमने रिसिप्ट ली थी वही हमारा है, 5,000 से 5,000 हमने माइनस कर दिया। कोई आपने टी वगैरह के एक्सपेंस देने हैं, यहाँ पे हमने टी एक्सपेंस आ गए जी, कितने 50 रुपये हमने टी एक्सपेंस के दे दिए, कौन से डे से कौन से डे के दिए हैं, वो भी सारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। इस तरह से आप जो है एंट्री वगैरह कर सकते हो। कोई एंट्री को आपने डिलीट करना है, इसे यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको डिलीट का बटन जो है इनेबल हो जाएगा। सिंपली डिलीट करोगे, इसका 1 पासवर्ड रखा हुआ हमने, ओके कर दोगे तो ये एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगी। कुछ आपने अटैचमेंट वगैरह लगानी है, कोई पर्ची लगानी है यहाँ पे, कोई आपको रिमाइंडर रखने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही बड़े अटैचमेंट का सिस्टम भी है, आप अटैचमेंट कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको एंट्री को सिलेक्ट करके अगर आपने प्रिंट करना है, प्रिंट पे आपके पास इस तरह से जो है प्रीव्यू शो हो जाता है। प्रीव्यू में अगर आपने कुछ प्रिंट में इसमें चेंजेस वगैरह करवानी है, बिल छोटा बड़ा करवाना है, कोई डिज़ाइन करवाना है अपने अकॉर्डिंग, लोगो वगैरह लगवाना है, वो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, वो आपको उस अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे प्रॉपर किस तरह से आपने इसके अंदर चेंजेस करनी है। बाकी यहाँ पे हमारे रिपोर्ट्स के अंदर जाके यहाँ पे हमारा जो है इसका कैश और बैंक बुक लगा हुआ है और कैश बुक समरी लगा हुआ है प्रॉपर आपके पास। यहाँ से डेट सेलेक्ट करके एंटर करके ओके कर दोगे, आपको दिखा देगा कि आपका ओपनिंग बैलेंस इतना था, रिसिप्ट आप कितनी हुई, पेमेंट आप कितनी हुई है, क्लोजिंग इतना बचा है। डेट वाइज बहुत ही बढ़िया समरी आ जाती है, एक दिन का, दो दिन का, हफ्ते का, जितने का भी देखना है उतने दिन का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके कैश और बैंक बुक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये कंबाइन है अपनी, देखिए कैश बुक में आपका कितना आया, किसको कितना पैसा दिया, पूरा यहाँ पे टोटल आपको डिटेल आ जाएगी। बाकी बैंक एंट्री में आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। ट्रांजैक्शन में जाके मैं बैंक एंट्री में गया, कोई आपके शॉप पे कोई आपने जो कस्टमर था आपका किस में फ़ोन पे या पेटीएम में आपसे पैसे लिए, क्या यूपीआई रिसिप्ट लिया आपसे, ओके यूपीआई रिसिप्ट में आपने क्या किससे लिया जी, रोहन से लिया। जैसे सपोज मैंने यहाँ से इसका रोहन का नाम डाल दिया, रोहन से मैंने अपने यूपीआई में पैसा लिया, कितना लिया जी, 500 रुपया लिया। एंटर करके मैं इसको सेव कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे टोटल दिखा देगा कि हाँ जी मैंने रोहन से इतना पैसा लिया है, ओके। एंटर करेंगे, कोई आपने किसी को चेक वगैरह दिया जब बैंक ने आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है उसकी एंट्री करनी है, किसके बिहाफ पे किया आपने जी, यहाँ पे जैसे मैंने रोहन के बिहाफ पे किया है। एंटर करेंगे जी, यहाँ पे रोहन के बिहाफ पे कितना किया है जी, 8,000 रुपये का उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। सो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम लगा हुआ है, इसका भी प्रिंट वगैरह निकल जाता है, चेक वगैरह। जैसे सपोज इसको हम प्रिंट करेंगे जी, प्रिंट करके आपने चेक प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया चेक प्रिंट हो जाता है ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में, ठीक है जी। उसके तो कोई अपने वाउचर वगैरह प्रिंट करना है, वाउचर प्रिंट के रिगार्डिंग भी सॉफ्टवेयर में सिस्टम लगा हुआ है। सो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर में सेटिंग है, आप सॉफ्टवेयर को चलाइए, चेक करिए। अगर आपको चलाने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सो बनी रहे हमारी वीडियो के साथ, हमारी इस वीडियो को जो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू जी, शुक्रिया।